पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रीप 3 लागू होने से एक बार फिर वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS3 डीजल इंजन वाहनों को एक बार फिर प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके चलते साइबर सिटी गुरुग्राम में भी इन वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। अगर कोई वाहन सड़कों पर रनिंग कंडीशन में नजर आता है तो उस वाहन का चालान नो एंट्री नियम के तहत गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस कर रही है। सर अभी चालान तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास BS4 गाड़ी है, वो है डीजल की, और ये लोडिंग गाड़ी है मेरे पास, उस पर अभी किस्त भी पेंडिंग है। अगर जो सरकार ने रूल चलाया है, अगर मैं उस गाड़ी को खड़ी कर देता हूँ तो उसकी किस्त कहाँ से पे करूँगा? अगर किस्त पे नहीं करूँगा तो फाइनेंस वाले उठा लेंगे, अब गाड़ी नहीं चलेगी तो सर। और गवर्नमेंट का हर महीने का जो टैक्स भरा जाता है वो भी हमें पे करना है, वो सारी चीज़ें हमारे से पे करवाई जा रही है, उसके बाद ही हम गाड़ी नहीं चला पा रहे, तो ऐसे हम क्या करें बताओ? तानाशाही मानते हैं फरमान को? बिल्कुल जी, तानाशाही है। इसकी कमी की वजह से सब कुछ हो रहा है, सरकार की एनजी की? ये सर सरकार की कमी है, जो क्या नाम है, रूल रेगुलेशन लगा रखे हैं। हाँ, अभी चलान हुआ है इसका। तो कोई राशि भी दी है चलान को? नहीं, राशि नहीं दी है, जीरो का क्या है, कोर्ट भुगत है, लेकिन ये 15 साल गाड़ी अप्रूव्ड है, 2020 मॉडल गाड़ी है जी, और ये करेंगे सर नहीं चलेगी तो ये गलत है ना फिर कानून। तो आप लोगों को जानकारी नहीं दी गई थी कि? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं थी ना अभी। अच्छा, तो अब ऐसे में अब कैसे करेंगे? गाड़ी आप कमर्शियल चलाते हैं, प्राइवेट चलाते हैं? नहीं, अपनी प्राइवेट पर्सनल गाड़ी है। पर्सनल गाड़ी है। हाँ, तो किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? क्या फैसला गलत है वैसे तो ये? या तो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन उतना ही करो ना जितने साल चलनी है, नई गाड़ी है कोई पुरानी नहीं। वहीं पूरे मामले में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कल रात 12 बजे के बाद साइबर सिटी में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया था, जिसके तहत विभागीय आदेशों के चलते साइबर सिटी के तमाम पॉइंट्स पर चालान किए जा रहे हैं। जो पेट्रोल की BS3 जी और डीजल BS4 जी, डीजल BS4 हाँ, ये पोल्यूशन की वजह से NCR में बंद। तो ऐसे में नो एंट्री नियम के तहत काटे जा रहे हैं चालान जी, इनके लिए बंद है ये, अभी पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो इतने, ये रोड पर नहीं आ सकती। और ऐसे में कोई गाड़ी अगर रोड पर है तो आप किस तरीके से चलान के कर रहे हैं? मैनुअली चलान हो रहे हैं क्या, कैमरों से भी ऑटोमेटिक हो रहे हैं? नहीं, हम तो मैनुअली कर रहे हैं। मैनुअली कर रहे हैं? हाँ। तो लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है इसके? नहीं, किसी का विरोध नहीं है, लोग आसानी से चलान कटवा रहे हैं अपना। हाँ, तो लोगों तक क्या मैसेज गुरुग्राम पुलिस भेजती है जिससे कि लोगों के इस तरीके से गाड़ी लेकर ना निकले लोग? ये तो पेपर में न्यूज में आया हुआ है जी, BS4 BS3 पोल्यूशन की वजह से बंद है। तो चलान सर कब तक करते रहेंगे, मतलब दिन रात 24 घंटे चलान होंगे ये जब तक फैसला वापस नहीं होता है ये आदेश, या फिर कोई टाइमिंग भी है? नहीं, जब तक पोल्यूशन सरकार के आदेश है जब तक ये आदेश चलते रहेंगे, चलान होते रहेंगे। तो सभी पॉइंट्स पे सर हो रही है इस तरीके से चलान जी? फिलहाल गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने चालान प्रक्रिया को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है, मगर ऐसे में कहीं न कहीं मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस वर्ग के लोगों के पास कई परिवारों में मिलकर एक ही गाड़ी अक्सर देखी जाती है, मगर वह भी अगर बंद हो जाएगी और वही गाड़ी अगर परिवार का पालन पोषण करने का एकमात्र साधन हो तो आखिर वह परिवार करे तो क्या करे? सड़क पर चलेगा तो चालान कटेगा, और अगर नहीं चलेगा तो बैंकर्स बकाया होने पर गाड़ी उठा लेगा। पंजाब के सी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।